हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी धोती शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये धोती शलवार मैं बिल्कुल नया तरीका बता रही हूँ, अभी तक शायद किसी ने नहीं बताया है। अगर बताया भी है तो मैं आप इसको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। एंड इसका जो लुक है गाइस, बहुत ही सीरियसली बहुत ही ज़्यादा गजब का है इसका जो लुक है, और धोती शलवार से अलग ही इसका लुक आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है कॉटन का, एंड इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद में से एक ट्राइंगल शेप दे दूँगी कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो ट्राइंगल शेप देने के बाद अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो नीचे की तरफ जहाँ पे नोक है वहाँ से बन साइड की तरफ आपको 3 इंच पे मार्क करना है, एंड जो ओपन साइड है वहाँ पे 6 इंच पे मार्क करना है कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो बन साइड की तरफ से अर्न्ड 3 इंच का ले लिया है आपने, एंड 6 इंच का ले लिया है, मार्किंग कर ली है। उसके बाद इस तरीके से एक राउंड शेप देनी है। तो कर्व शेप देने के बाद आपको इसका लेंथ लेना है, जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें से आप 5 इंच या 4 इंच कम कर लें। तो यहाँ पे मेरी 38 इंच जो है वो लेंथ है, उसके बाद जो है मैं 4 इंच कम करके इसमें लूँगी। तो उसके बाद नीचे से ही हमने इसमें इस तरीके से राउंड शेप में कर लेना है, मार्किंग कर लेनी है पूरी कुछ इस तरीके से। 4 इंच आपको कम लेना है क्योंकि इसमें आपको अपनी बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट का आपको अलग से लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक राउंड शेप दे देनी है, उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो सिर्फ इसकी मार्किंग नॉर्मल ही इतनी सी ही है, एंड इसका इसके बाद मैं आसन कट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो शलवार है वो कट हो चुकी है। उसके बाद बन साइड की तरफ से आपको आसन कट करना है, ध्यान रहे बन साइड की तरफ से मैं आपको आसन करना है। तो 4 इंच आपको ऊपर निकालते हुए 13 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद 2 इंच का आपको चौड़ाई में लेना है इसमें कुछ इस तरीके से, और एक एल शेप दे देनी है बन साइड की तरफ से। एंड इसके बाद आपको एक राउंड शेप दे देना है जहाँ पे मैं अपना क्रॉच एरिया बना रही हूँ, मतलब आसन। और इसके बाद इसे मैं कट कर लूँगी। तो ऊपर से मैंने 4 इंच निकाल दिया था अपनी बेल्ट का, उसके बाद 13 इंच पे मार्क किया था। तो अब मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा गाइज, ये देख सकते हैं सब खुला हुआ है। इधर की साइड से भी हम खोल लेंगे, अगर आपका बंद हो तो आप इसे इस तरीके से कट कर लें, अगर नहीं है तो आप नॉर्मली रहने दें। तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे कट करने के बाद। तो इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा गाइज, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से इसका कुछ लुक आएगा। तो दोनों तरफ से ये ओपन रहेगा, ये देख सकते हैं आप, इधर की साइड से ये ओपन है नीचे तक, एंड इधर से भी ये ओपन है नीचे तक। अब मैं इसकी बेल्ट कट करूँगी। तो बेल्ट के लिए मैंने 2 पीस ले लिए हैं कुछ इस तरीके से, लेंथ में मैंने ये 6 इंच लिया है, एंड चौड़ाई जो है आपको हिप के 4 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पे जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो 24 इंच ली है, और लेंथ में आपको 2 इंच प्लस कर देना है, तो 6 इंच इसकी मैंने इसकी लंबाई ली है। तो अब मैं इसकी चौड़ाई वो स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले क्रोच एरिया को हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे, अंदर की तरफ आपकी राइट साइड होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो यहाँ पर मैंने पूरी राउंड शेप में स्टिच कर लिया है, उसके बाद में इसे इस तरीके से ओवरलैप करूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से 2 लेग्स में कम्प्लीट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। तो अब मैं इसको नीचे की तरफ हम अपने पौचे का मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच पे मैं इस पर मार्क करूँगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 6 इंच पे आपको मार्क करना है, और जहाँ पे हमने 6 इंच का मार्क किया था वहाँ से हमें डबल फोल्ड करना है पूरा दूसरी साइड तक, एंड ऊपर से हमें स्टिच कर लेना है पूरा। तो दूसरी तरफ पर भी मैं इसी तरीके से 6 इंच पर मार्किंग करूँगी, एंड डबल फोल्ड कर लेंगे इसे इस तरीके से पूरा ही 6 इंच तक, जो हमारा दूसरी पल्ले पे भी 6 इंच आ रहा है वहाँ तक आपको सिर्फ वो करना है, उसके बाद डबल फोल्ड करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से ऊपर तक इसे स्टिच कर लेना है नॉर्मली। तो यहाँ पे मैंने नीचे से इसे डबल फोल्ड करते हुए एंड ऊपर तक इसे स्टिच कर लिया है कुछ इस तरीके से, हमारा 6 इंच की मोरी हो गई है, एंड ऊपर से इसे स्टिच कर लिया है। यहाँ पर साइड में इसकी स्टिचिंग आएगी। तो अब मैं बेल्ट की तरफ चलती हूँ। तो दोनों तरफ से आपको स्टिच कर लेना है अंदर की तरफ राइट साइड रखते हुए। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हैं बेल्ट को। अब मैं सिलाई को बीच में ले आऊँगी कुछ इस तरीके से। बीच में लाने के बाद हमें अपना नेफा फोल्ड करना है, जो 2 इंच हमने प्लस किया था उसी में हमें अपना नेफा फोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं चारों तरफ आपको अपने नेफे को फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपने नेफे को जो है वो फोल्ड कर दिया है और थोड़ा सा छोड़ दिया है जिससे हमारी बेल्ट पास हो जाए यहाँ पर।
तो अब मैं अपनी बेल्ट को अपनी शलवार में स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले आपको साइड से 4 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है और नीचे की तरफ भी आपको 4 इंच पे मार्क कर लेना है नीचे वाले फैब्रिक पर, एंड दूसरी तरफ को भी आपको इसी तरीके से 4 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपने जो चुन है प्लेट्स जो होती हैं वो नहीं डालेंगे इस इतने इतने एरिए पर आगे और पीछे की साइड। तो बेल्ट पे भी मैं 4 इंच पे ही मार्क करूँगी दोनों साइड ऊपर एंड नीचे। नीचे के फैब्रिक पे भी आपको इसी तरीके से इस पर मार्क करना है। तो इधर की साइड पे भी मैं 4 इंच पे ही मार्क करूँगी एंड नीचे के फैब्रिक पे भी आपको इसी तरीके से दोनों तरफ मार्क कर लेना है। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, अब हमें इन मार्किंग तक ही इस पर प्लेट्स डालनी है। तो सबसे पहले बीच में से हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स एक तरफ राइट साइड होंगी एंड एक तरफ लेफ्ट साइड होंगी हमारी प्लेट्स। तो सबसे पहले हम प्लेट्स डाल देंगे इसके ऊपर। तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें प्लेट्स डाल रही हूँ 1-1 इंच चौड़ी। तो आपको प्लेट्स जो है उसी मार्किंग पर तक लगानी है जहाँ पर हमने 4 इंच पे इस पर मार्किंग करी है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मार्क आ गया है और अब मैं इसमें लास्ट प्लेट्स डाल रही हूँ। तो ये देख सकते हैं एक तरफ मैंने राइट साइड पे प्लेट्स डाल दी हैं एंड अब लेफ्ट साइड पे मैं इसमें प्लेट्स डाल दूंगी सब पर ही मार्किंग तक। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरे में प्लेट्स डाल दी हैं, जहाँ पे हमारी मार्किंग आ रही थी वहीं पर हमने कंप्लीट प्लेट्स डाल दी हैं। अब मैं इसकी बैक साइड पे प्लेट्स डालूंगी। तो बैक साइड पे भी आपको मार्किंग तक ही इसमें प्लेट्स डालनी है। ये देख सकते हैं बैक साइड पे भी हमने प्लेट्स 4 इंच का मार्क कर रखा है। तो पूरे पे ही मैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे प्लेट्स डाल दूंगी। बीच में से ही आपको शुरू करनी है जिस तरीके से हमने फ्रंट साइड पे प्लेट्स डाली थी। तो सबसे पहले मैं ऑल पिन से ही इस पर सिक्योर कर रही हूँ गाइस। तो ये देख सकते हैं हमारी मार्किंग आ गई है एंड इस पर भी मैं इसी तरीके से ऑल पिन से इसे सिक्योर कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं हमारा जो साइड का एरिया है वो बिल्कुल प्लेन है जो 4 इंच पे हमने मार्क किया था। एंड उसके बाद अब मैं इसमें अपनी बेल्ट को अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो पहले इस पर स्टिच कर लें ऑल पिन निकालने के बाद, मैं इसे ऐसे ही स्टिच कर लूँगी ऑल पिन लगे हुए। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से अंदर की तरफ अपनी बेल्ट को पास करना है कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं गाइज जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद चारों तरफ आपको स्टिच कर लेना है नॉर्मली। ध्यान रहे जो हमने निशान लगाया था वहीं पर आपका निशान आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है अपनी बेल्ट को। अब मैं अंदर की तरफ इसके इलास्टिक भी पास कर लूँगी। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं ये मोती ले रही हूँ वाइट कलर के, और साइड में जो सिलाई है हमारे यहाँ पे मैं इस पर मोती अटैच करूँगी। तो नीचे से आपको मोती को अटैच करना है और इसे आप पक्का से आपको सुई धागे की हेल्प से इसे लगाना है अटैच करना है। तो जो साइड में सिलाई आएगी वहाँ पे आपके फ्रिल नहीं आएंगे एंड इस पर आपको मोती लगाना है। एंड इसका जो लुक आएगा गाइस सीरियसली आप बना के ज़रूर देखिएगा एंड फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा इसका लुक आया है। एंड इसका फाइनल लुक तो मैं आपको दिखाई दूंगी लास्ट में वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मोती लगा लूँगी, ये देख सकते हैं गाइस। तो आप इसमें ऐसा कर 4-4 उंगल पे भी इसमें इसी तरीके से मोती लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 4-4 उंगल पे इस तरीके से मार्क कर लूँगी 2 इंच पे 1 इंच पे, आपकी जो चॉइस है आपका जितना मन है उस पे आप इस तरीके से मोती लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4-4 उंगल पे इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी एक साइड पे। तो दूसरी साइड पे भी आपको इसी तरीके से मार्किंग कर लेना है और जो मार्क करा है हमने उसी पे ही आपको मोती अटैच करना है। ऊपर तक ही आपको इस पर अटैच करना होगा क्योंकि साइड से जो चाक होते हैं उसमें से आपकी जो साइड की सिलाई होगी ये पूरी दिखेगी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये फाइनल लुक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड अगर आप इसे बनाएंगे तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे पिक ज़रूर सेंड करिएगा, इसकी बहुत ही गजब का लुक आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।